Today we will talk about the remaining topic of program coding. Object-oriented programming. Object-oriented programming, OOP, is a different and modern approach of programming. Object-oriented programming क्या है? Different है and modern approach programming है. C++, Python and Java are some example of object-oriented programming language. C++, Python, Java क्या है? Object-oriented programming language के example है. OOP is based on the fundamental concept of object. OOP, object-oriented programming किस पे? Fundamental concept of object पर निर्भर है. Associated with object are other OOP concepts such as class, data hiding, inheritance, encapsulation and abstraction. ये सारे कंसेप्ट है, इनको मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करूंगी. लेट अस टेक देम अप वन एट अ टाइम. ऑब्जेक्ट, एनी एंटिटी दैट हैज स्टेट एंड बिहेवियर इज नोन एज एन ऑब्जेक्ट. किसी भी इकाई की उसकी क्या होता है, उसका स्टेट मतलब उसकी स्थिति और उसका व्यवहार जो होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल चेयर, पेन, टेबल, कीबोर्ड, बाइक एक्सेट्रा, ये सारे क्या है, ऑब्जेक्ट है. इस कैन बी फिजिकल एंड लॉजिकल, वो फिजिकल भी हो सकते हैं और लॉजिकल भी हो सकते हैं. क्लास, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्लास. कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन है उसे हम क्या बोलेंगे, क्लास बोलेंगे. इट इज लॉजिकल एंटिटी, और वो क्या है, एक लॉजिकल एंटिटी है. अ क्लास कैन हैव मेनी ऑब्जेक्ट इन अ प्रोग्राम. क्लास में बहुत तरह के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं. इच ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंटेंस ऑफ इट्स क्लास. वो क्लास के क्या हुए, एक तरह के एग्जाम्पल हुए. इंटेंस इट मीन्स एग्जाम्पल. उदाहरण, अ कार, बाइक, बस, ट्रक एक्सेट्रा आर द मेंबर ऑफ क्लास व्हीकल. अब जैसे कार, बस, ट्रक ये सब लें तो किस कौन से मेंबर में आ गए, मेंबर ऑफ क्लास क्या कहलाएगा, ये व्हीकल है. यहाँ तो दे रखा है, जैसे क्लास क्या हो गया, व्हीकल्स. अब इसमें कार, बस, ट्रक ये सारे, बाइक ये सारा क्या हो गया, एक पूरा एक क्लास हो गया. ऑल द व्हीकल्स हैव सेम प्रॉपर्टी एंड कॉमन बिहेवियर. अब यहाँ पे जितने भी व्हीकल्स हैं जिनकी प्रॉपर्टी और बिहेवियर क्या है, सेम है. दे हैव व्हील्स, पावर, इंजन एंड आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन. इन सब में व्हील्स है, इनमें पावर लगता है, इंजन होता है और ट्रांसपोर्टेशन में यूज में आता है. इवन इफ वी कंपेयर टू डिफरेंट कार ऑफ द सेम ब्रांड, दे हैव ऑल्सो डिफरेंट ऑब्जेक्ट. क्या अगर हम जैसे दो तरह की डिफरेंट तरह की कार लेकर और सेम ब्रांड के हैं, पर उनको भी आप एक तरह से अलग से दे सकते हैं. कैसे, डिफरेंट ऑब्जेक्ट एज दे कैन डिफरेंटिएट बेस ऑन रजिस्ट्रेशन नंबर. अगर आपने सेम ब्रांड के अलग अलग कार लिया है पर उनका रजिस्ट्रेशन नंबर सेम नहीं है, तो उसे भी आप क्लास, जैसे यहाँ पे दिया है मारुति एल्टो एग्जांपल दिया है. अब इन सबका रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज है, मतलब इनका ब्रांड चेंज है, इस तरह भी आप उसका एक क्लास बना सकते हो. डेटा हाइडिंग, इन जावा अ वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर इज प्राइवेट और पब्लिक. जावा में वेरिएबल को किस तरह डिक्लेयर कर सकते हैं, प्राइवेट और पब्लिकली. A private variable is accessible only within the class in which it's declared. Private variable होते हैं, वो उसी class में declare होंगे जिसमें उसे दे दिखाया जाएगा. A public variable is accessible only to all the class in the program. Program के अंदर जितनी class है सभी में वो accessible होंगे. When a variable is declared as private, it remains hidden फॉर ऑल अदर क्लास. अगर वेरिएबल को प्राइवेट डिक्लेयर किया है तो वो दूसरी क्लासेस में दिखाई नहीं देंगे, वहां पर हिडन हो जाएंगे. थस इट कैन बी एसेसेबल ओनली बाय द मेथड ऑफ क्लास इट बिलोंग टू. मतलब ये हुआ कि वो उसी क्लास में ही एसेसेबल होंगे जो उससे बिलोंग करती है. अ मेथड कैन ऑल्सो बी पब्लिक एंड प्राइवेट.
मेथड दोनों हो सकते हैं, पब्लिक भी एंड प्राइवेट भी. व्हेन अ मेथड इज पब्लिक इट कैन बी इन्वोक विद इन अ सेम क्लास इन विच इट डिक्लेयर. व्हेन द मेथड इज पब्लिक, अगर वो पब्लिक है तो सेम क्लास में जहां वो डिक्लेयर हो रहे हैं और अदर क्लास में भी वो accessible होंगे. The private method, however, can only invoke within a class which they declare. और private method कहाँ पर? Only उसी class में जहाँ उसे declare किया गया है. They are not visible to other class. दूसरी class में वो visible नहीं होंगे. This is what is called data hiding. और इससे क्या बोला जाता है? Data hiding.